वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज में। हम आज और फिल्म टॉक के बिल्कुल फ्रेश एपिसोड के साथ, जहां पर आपको देते हैं साउथ और हिंदी फिल्मों से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों, बिल्कुल वक्त ज़ाया ना करते हुए स्टार्ट करते हैं फिल्मी टॉक के एपिसोड नंबर 277 को। तो एपिसोड की शुरुआत करते हैं सबसे पहले कुछ साउथ और बॉलीवुड के अपकमिंग कोलेब्रेशन से। तो आप सभी को पता ही होगा कि आज जो है अमेजॉन प्राइम वीडियोज़ का जो है एक बहुत ही बड़ा इवेंट आयोजित किया गया था, जहां पर उनकी सभी अपकमिंग फिल्में, वेब सीरीज, ओरिजिनल्स को जो है आज अनाउंस किया गया है। तो इसी इवेंट के दौरान जो है एक फिल्म की जो है अनाउंसमेंट की गई है, जहां पर अगर आप हमें ट्विटर या फिर कहें एक्स पर फॉलो करते हैं, तो कुछ दिनों पहले हमने जो है वहां पर जो है हमने एक पोस्ट किया था, जहां पर हमने वहां पर साउथ के डायरेक्टर और बॉलीवुड के एक्टर के कोलैबोरेशन की जो है एक लिस्ट बनाई थी, जहां पर कुछ चीजें बज लेवल पर थी तो कुछ चीजें कंफर्मेशन लेवल पर थी। तो वहीं पर जो है मैंने यहां पर शाहिद कपूर और सचिन रवि के कोलैबोरेशन को भी जो है मेंशन किया हुआ था। तो ये कोलैबोरेशन जो है आज अनाउंस हो चुका है। यहां पर इस फिल्म का नाम रखा गया है अश्वत्थामा द सागा कंटिन्यू। आपको बता दूं, सचिन बी रवि वही हैं जिनकी डेब्यू फिल्म अवने श्रीमन नारायण के हिंदी वर्जन को जो है यहां पर नॉर्थ में कोई डिस्ट्रीब्यूटर जो है उस समय पर नहीं मिल पाया था। ये फिल्म एक काइंड ऑफ सुपरनैचुरल एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है। यहां पर फिल्म की जो कहानी, फिल्म का जो सेटअप रहेगा, वो आज के समय पे ही रहने वाला है, पर इसका कनेक्शन जो है महाभारत के समय के साथ रहेगा। आपको बता दूं, ये फिल्म एक समय पर कनाडा में ही बनाई जाने वाली थी, डॉक्टर शिवराज कुमार जी के साथ जो है इनिशियली जो है बनाया जाने वाला था, पर बाद में पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, डिस्कशन तो काफी दिनों तक चली थी, पर शायद हो सकता है कि फिल्म जो बजट डिमांड कर रही हो वो वहां से इस फिल्म को नहीं मिल रहा हो, इसलिए बाद में शाहिद कपूर के साथ इस फिल्म को हिंदी में बनाने की जो है प्लानिंग की गई, जो कि लगभग मेरे हिसाब से 2 साल 1.5 साल से जो है चली रही थी, और आज जाकर इस फिल्म को अनाउंस किया गया है। हालांकि देखने वाली बात यह है कि इस फिल्म को जो है पूजा एंटरटेनमेंट प्रोड्यूस कर रही है। पूजा एंटरटेनमेंट एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस है जिसकी फिल्मों के प्रोडक्शन वैल्यूज के ऊपर हमेशा से ही जो है सवाल उठाए जाते रहे हैं। हालांकि बड़े मियाँ छोटे मियाँ के ऊपर हर किसी की नजरें टिकी हुई है कि इस फिल्म का प्रोडक्शन आउटपुट जो है किस तरीके का निकल के आता है, और उसके बाद ही जो है क्लैरिटी मिलेगी कि क्या ये प्रोडक्शन हाउस सही मायनों में इतने बड़ी फिल्मों को हैंडल करने के लिए तैयार भी है या नहीं। इसके अलावा बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ, जहां पर आज की अगली अपडेट निकल के आ रही है सलमान खान और डायरेक्टर AR मुर्गदास के कोलैबोरेशन से। तो ये तो ऑलमोस्ट ऑफिशियली हर जगह कंफर्म हो ही चुका है कि ये दोनों जो है एक साथ फिल्म में काम करने जा रहे हैं। तो रिसेंटली दिए गए एक इंटरव्यू के अंदर डायरेक्टर AR मुर्गदास ने इस चीज का खुलासा किया है कि इस फिल्म पर जो है उन्होंने सलमान खान के साथ आज से 5 साल पहले जो है डिस्कस किया था। 5 साल पहले सेम स्क्रिप्ट, सेम सब्जेक्ट जो है उन्हें नरेट किया था, पर उसके बाद एक लंबा समय गुजरा जहां पर इन दोनों के बीच में इस फिल्म को लेकर कोई डिस्कशन नहीं हुई। बट अभी रिसेंटली कुछ समय पहले ही जो है सलमान खान ने यहां पर AR मुर्गदास को फाइनल एक और नरेशन के लिए बुलाया, और उस नरेशन के बाद सलमान खान ने जो है इस फिल्म को फाइनल किया है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि एक हाई ऑक्टेन एक्शन फिल्म के साथ साथ एक इमोशनल फिल्म भी रहेगी, जहां पर में उनकी बाकी सभी फिल्मों की तरह एक सोशल मैसेज भी जो है देखने को मिलेगा। इसके अलावा बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ और बात करते हैं सूर्या और उनसे जुड़ी कुछ खबरों के बारे में। तो सूर्या की एक और फिल्म जो है फिर से डिले होने जा रही है। जी हां दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि सूर्या रॉय पोटरू के बाद सूर्या और डायरेक्टर सुधा कोनग्रा जो है फिर से एक साथ एक फिल्म में काम करने वाले हैं, जिसमें दुलकर सलमान भी आपको नजर आएंगे। तो इस फिल्म की जो है शूटिंग ऑलमोस्ट फरवरी के महीने से स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, और सूर्या के जो पोर्शंस थे कहा जा रहा था कि मार्च में पक्का स्टार्ट होने वाली थी, और कुछ दिनों से जो है खबरें ऐसी भी निकल के आ रही थी कि शायद ये फिल्म इसी साल के अंत तक भी जो है हमें रिलीज होती हुई नजर आएगी। पर कल जो है सूर्या ने खुद एक लेटर डालते हुए इस चीज को कंफर्म किया है कि अभी इस फिल्म की शूटिंग जो है स्टार्ट नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि ये एक स्पेशल कोलैबोरेशन है जिसको स्टार्ट होने में अभी और समय लगेगा, यानी कि सूर्या जो है अभी इस फिल्म की शूटिंग को जो है ज्वाइन नहीं करने वाले हैं। तमिल मीडिया के अंदर मौजूद कुछ इनसाइडर्स का यह कहना है कि यहां पर फिल्म की डायरेक्टर सुधा और सूर्या के बीच में फिल्म के सब्जेक्ट, फिल्म के थीम को लेकर जो है कुछ कंफ्यूजन चल रही हैं, कुछ कह सकते हैं काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, या फिर कह सकते हैं काइंड ऑफ क्रिएटिव डिफरेंस जो है वो चल रहा है, जिस कारण से जो है चीजें अभी तक पूरी तरीके से फ्लोर पे नहीं उतर पा रही हैं। फिल्म का क्या सब्जेक्ट रहने वाला है इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बात कर चुका हूं, और उसी समय आपको समझ आ ही गया होगा कि इस फिल्म का जो सब्जेक्ट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल तो डेफिनेटली है। और आज के समय में सूर्या एक ऐसे पॉइंट पर खड़े हैं जहां से वो बहुत ही आसानी से तमिल फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ
अपना डंका जो है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी जो है बजवा सकते हैं। और सुधा कॉनग्रा वाली जो फिल्म है, उस फिल्म का जो सब्जेक्ट है उसमें पूरा का पूरा एक पोटेंशियल है कि वो यहाँ पर हिंदी मार्केट के अंदर जो है एक काइंड ऑफ एक कॉन्ट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट कर सकता है। तो डेफिनेटली ये सभी चीजें जो है कहीं ना कहीं सूर्या को हर चीज पर जो है फिर से एक बार सोचने पर जो है मजबूर कर रही होंगी। देखते हैं आने वाले दिनों में इस फिल्म से जुड़ी क्या अपडेट्स वगैरह निकल के आती हैं। अब क्योंकि सूर्या जो है इस फिल्म को स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, तो खबर निकल के आ रही है कि सूर्या जो है जल्दी अप्रैल के महीने में ही जो है शायद डायरेक्टर रवि कुमार, जिनकी आपने आयलान और टाइम मशीन जैसी फिल्में देखी हुई हैं, उनकी साइंस फिक्शन फिल्म को जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ कुछ दिनों में ही जो है कर्ण फिल्म की भी जो है शूटिंग स्टार्ट करवा दी जाएगी। तो ये दोनों फिल्म जो है जल्दी एक डेढ़ महीने के अंदर स्टार्ट होने वाली है, बट शायद सुधा कॉनग्रा वाली फिल्म जो है वो अभी और लंबी थोड़ी खींचेगी। इसके अलावा सूर्या की अपकमिंग फिल्म यानी कि कंगुआ का भी आज जो है एक टीजर जारी किया गया है। अगर आप देखोगे तो यहां पर एक 50 सेकंड के आसपास का टीजर आज आपको देखने को मिलेगा। हालांकि अगेन मैं इसे कोई प्रॉपर टीजर नहीं कहूंगा, इस टीजर को मेरे हिसाब से जो है यहां पर ये अमेज़न प्राइम वीडियोस का जो इवेंट रखा गया था उसी के लिए ही जो है यहां पर बनाया गया था। और आपको साफ जो है एडिटिंग के अंदर वो रैंडमनेस जो है फील होगी, कट्स के अंदर, बैकग्राउंड म्यूजिक के अंदर, लगेगा नहीं कहीं पर एक फ्लो है किसी इस टीजर के अंदर। तो बस एक शो में प्ले करने के लिए जो है कुछ क्लिप्स को जो है यहां पर लगाकर जो है एक छोटा सा टीजर का नाम जो है इसे दिया गया है। जहां पर जो सबसे अच्छी बात इस टीजर की अगर मैं बोलूं तो वो है इसके विजुअल्स, जो कि काफी सॉलिड और काफी इंप्रूव नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें इसके अनाउंसमेंट ग्लिम्स की, उसको अगर इससे कंपेयर करोगे तो काफी चीजें काफी इंप्रूव हुई हैं और यहां पर काफी चीजें सॉलिड नजर आ रही हैं। कलर ग्रेडिंग से लेकर सिनेमेटोग्राफी, कुछ फ्रेम्स जो है काफी सॉलिड लग रहे हैं और सबसे सॉलिड नजर आ रहे हैं सूर्या और बॉबी देओल दोनों की जो जोड़ी यहां पर लग रही है, जो टकरार यहां पर कुछ फ्रेम्स में कुछ सेकंड के लिए देखने को मिल रही है, चीजें काफी खूंखार नजर आ रही हैं। बस उम्मीद करते हैं कि ये फिल्म एक अच्छी फिल्म निकले। ये फिल्म जो है डायरेक्टर शिवा से हम जितनी उम्मीदें रखते हैं उससे बेटर फिल्म निकले। एटलीस्ट कह सकते हैं कि अभी जितना कुछ भी देखने को मिल रहा है वो सभी चीजें जो है शिवा के स्टैंडर्ड से काफी अच्छी नजर आ रही है, जो कि अगेन भरोसा दे रही है कि कहीं ना कहीं शिवा जो है काफी तैयारी के साथ इस बार आने वाले हैं। वैसे आपको पर्सनली ये टीजर, ये ग्लिम्स कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं इसी Amazon Prime Videos के इवेंट के दौरान अनाउंस हुई कुछ और फिल्मों के बारे में। तो अनुष्का शेट्टी और डायरेक्टर क्रिश की फिल्म का जो है टाइटल यहां पर अनाउंस कर दिया गया है। फिल्म का नाम रखा गया है घाटी। वहीं नितिन रेड्डी की फिल्म तमड़ू भी जो है अनाउंस करवा दी गई है। इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं डायरेक्टर वीणु श्रीराम, जिन्होंने एक समय पर वकील साहब फिल्म डायरेक्ट की थी, जिनकी फिल्म अल्लू अर्जुन के साथ एक समय पर अनाउंस हुई थी आइकन नाम से। तो वो जो है यहां पर नितिन रेड्डी के साथ तमड़ू नाम की फिल्म बना रहे हैं। ये फिल्म एक काइंड ऑफ भाई बहन के सेंटिमेंट पर आधारित फिल्म होने वाली है, जहां पर कहा जा रहा है कि फिल्म में जो भाई है अपनी बहन की रक्षा के लिए किस हद तक जा सकता है उसे इस फिल्म में दिखाया जाएगा। हालांकि अभी ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता है कि क्या यही वो फिल्म है जो अल्लू अर्जुन के साथ बनाई जाने वाली थी। इसके अलावा अगर बात करें कुछ वेब सीरीज की, तो सुड़ल का जो है आपको सीजन 2 जो है देखने को मिलने जा रहा है। साथ ही साथ धूता भी जो है यहां पर Amazon Prime Videos की काफी सक्सेसफुल रही थी और उसका भी जो है यहां पर सीजन 2 आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं कल के दिन होने जा रही कुछ अनाउंसमेंट्स के बारे में। तो आप सभी को पता है कि धनुष जो है जल्दी इलैयाराजा की बायोपिक में जो है हमें काम करते हुए नजर आने वाले हैं। तो इस फिल्म की जो है कल अनाउंसमेंट आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा RC16 यानी कि रामचरण तेजा की अपकमिंग फिल्म, जिसे डायरेक्ट करने वाले हैं बुच्ची बाबू, इस फिल्म का जो है कल पूजा सेरेमनी रखा गया है। शायद हो सकता है कि फिल्म के टाइटल को भी जो है कल अनाउंस कर दिया जाए। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो एक समय पर सोनी मैक्स पर एक्शन सुपर किंग नाम से जो है एक सेगमेंट आया करता था, जहां पर साल साल भर पेंडिंग पड़ी हुई फिल्में जो है हमें एक साथ बैक टू बैक जो है देखने को मिला करती थी। काफी हाइप, काफी एक्साइटमेंट रहती थी इसके लिए, इसके प्रोमोस के लिए। पर उसके बाद समय के साथ धीरे धीरे जो है चीजें बदलने लगी। आजकल जो है वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर की उतनी कुछ वैल्यू वगैरह रही नहीं है, पर फिर भी कुछ फिल्में हैं जो अभी भी जो है पेंडिंग पड़ी हुई हैं, जो कहीं पर ऑफिशियली हिंदी में नहीं आई हैं। तो वैसी ही एक फिल्म है सरपट्टा परंपराई का हिंदी वर्जन, या फिर कहें सरपट्टा द वॉरियर। ये फिल्म जो है एक्शन सुपर किंग का हिस्सा होने वाली है। अभी एक्शन सुपर किंग कब से स्टार्ट होगा ये जो है अभी तक ऑफिशियली जो है नहीं बताया गया है, केवल एक प्रोमो जारी किया गया है जिसमें काफी सारी फिल्में हैं और उसी में जो है सरपट्टा परंपराई को भी जो है शामिल किया गया है। तो एटलीस्ट ये मान के चलिए कि पार्ट 2 आने से पहले आपको पहले पार्ट जो है हिंदी में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा बढ़ते हैं आज की आखिरी अपडेट की तरफ और बात करते हैं मंजूमिल बॉयज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में। तो फिल्म ने जो है वर्ल्ड वाइड 200 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है। आपको बता दें कि फिल्म ने पहले 26 दिन में जो है वर्ल्ड वाइड 196.55 करोड़ का जो है ग्रॉस कलेक्शन पार कर
कर लिया था, जिसमें इंडिया से फिल्म ने 128.55 करोड़ का कलेक्शन किया है, जिनमें से केरला की बात करें तो 62.27 करोड़ और तमिलनाडु से 52.77 करोड़ का जो है कलेक्शन फिल्म ने किया हुआ है। और केवल एक भाषा में रिलीज हुई इस फिल्म ने आज अपने 27वें दिन जो है 200 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है। मैत्री मूवी मेकर्स की तरफ से जल्दी इस फिल्म को तेलुगु में जो है रिलीज करवाया जाने वाला है। हिंदी रिलीज के बारे में अभी तक जो है ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। तो दोस्तों बस यहीं तक था आज का फिल्म टॉक का ये एपिसोड। उम्मीद करते हैं एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।